दोस्तों बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए लाइव देखिए फटाफट बिहार एसएससी ऑफिस से परीक्षा कब होगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका जितना भी डाउट है इस वीडियो के माध्यम से सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज छात्र नेता दिलीप जी बिहार एसएससी ऑफिस गए हैं चेयरमैन से मिलने के लिए और परीक्षा को लेकर एडमिट कार्ड सभी चीज़ों को लेकर पूछा गया है। तो चलिए लाइव सुन लीजिए। साथ ही एग्जाम में पारदर्शिता को लेकर भी बात किया गया है। पारदर्शिता बहुत ही जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आंसर की मिलना चाहिए, कट ऑफ मिलना चाहिए, सभी कैंडिडेट का मार्क्स भी दिया जाना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में भी बात किया गया है। तो पहले आप लाइव सुनिए फिर इसके बाद बात करते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों आज हम अपने कुछ साथियों के साथ, कह लीजिए बिहार के अभ्यर्थियों के साथ, जिसमें एक छात्रा भी है, बीएसएससी ऑफिस आए थे। और मुद्दा आप लोग को पता है कि बीएसएससी सीजीएल 3 यानी सचिवालय सहायक की पीटी परीक्षा जो पहले से कैलेंडर के अनुसार 26-27 नवंबर को होनी थी, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई, एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। और इसके साथ साथ पारदर्शिता का भी मुद्दा था। इन सब मुद्दों को लेकर हम जो है आज बीएसएससी ऑफिस आए थे। कहा था कि 2 बजे से हम लाइव आएंगे, लेकिन यहाँ बीएसएससी के सचिव या अध्यक्ष उस समय नहीं मिले। 1 बजे से हम यहाँ हैं, 1 बजे से ही हम यहाँ हैं, लेकिन वो नहीं मिले उस समय। इस वजह से हम उस समय लाइव नहीं आ पाए, लेकिन जो मीडिया बंद हुआ थे 2 बजे, उन सभी को हम लोगों ने जानकारियाँ दी थी। और ज्ञापन एक सौंपा गया है, 3 ज्ञापन बीएसएससी सीजीएल 3 से 3 ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है। और अभी थोड़ी देर पहले हमारी मुलाकात जो है बीएसएससी के ओएसडी मनोज कुमार जी से हुई है, जिनके सामने हमने सारी बातों को रखा और अध्यक्ष महोदय के नाम से ज्ञापन भी वहां सौंपा गया है, जिसमें हमारा डिमांड ये है कि बीएसएससी सीजीएल 3 से रिलेटेड आप एक नोटिस जारी कीजिए कि 26 और 27 नवंबर को पीटी परीक्षा होगी या नहीं, और अगर होगी तो एडमिट कार्ड जल्द से जल्द आप जारी कीजिए, इससे संबंधित एक नोटिस जारी कीजिए। इस पर उन्होंने कहा है कि 1 से 2 दिन में नोटिस कुछ ना कुछ जारी कर दिया जाएगा। अभी दिन भर सभी लोग इसी में लगे हुए हैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। वो लोग भी अभी नहीं ये कर पा रहे हैं कि एग्ज़ाम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। मतलब बीएसएससी का ये सिचुएशन है कि बीएसएससी के अध्यक्ष हो, सचिव हो, यानी बीएसएससी कह लीजिए, वो लोग खुद अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एग्ज़ाम वो ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। मतलब दिन भर वो चर्चा इसी का कर रहे हैं कि एग्ज़ाम हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। तो अभी 2 दिन के अंदर कोई ना कोई नोटिस आएगा इस एग्ज़ाम से संबंधित। तब तक आप लोग पढ़ाई अपना करते रहिए, इधर उधर की खबरों पर कुछ भी आप दिमाग अपना डाइवर्ट मत कीजिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए। अगर 26-27 को भी एग्ज़ाम होगी तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए, तैयारी करते रहिए। लेकिन बीएसएससी अभी खुद कन्फर्म नहीं है कि 26-27 को एग्ज़ाम होगी या नहीं। ये भी जब हमने पूछा कि क्या एग्ज़ाम नहीं होगी, दिसंबर में होगी, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब अभी कोई डिसीजन ही नहीं वो लोग लिए हैं कि एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ाएंगे या 26-27 को ही होगा। हमने ये भी कहा कि जो बहुत सारे लोग जो बाहर से आएंगे, जो जॉब में हैं, उनको छुट्टी लेना पड़ता है 15 दिन पहले, तो इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए और एक नोटिस जारी किया जाए ताकि कन्फर्म हो जाए कि 26-27 को एग्ज़ाम होना है, तो वो लोग छुट्टी भी लेंगे। और रिजर्वेशन भी जिनको कराना है, जो बाहर बिहार से बाहर रहते होंगे, तो वो लोग रिजर्वेशन भी तो कराएंगे, अचानक से कैसे आ जाएंगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय के सामने बात रखेंगे, और जो लिखित रूप में हमने ज्ञापन दिया उस पर उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय एक एक वर्ड पढ़ेंगे और इस पर विचार जरूर करेंगे। अध्यक्ष महोदय ऑफिस में नहीं थे तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, ओएसडी मनोज कुमार जी से बातचीत हुई, जो कि अभी सचिव के प्रभार में भी है, वही उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने इतना जरूर कहा है कि इसी पे अभी दिन रात मंथन चल रहा है बीएसएससी सीजीएल 3 के पीटी परीक्षा को लेकर, तो अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो आप लोग ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम होगा और तैयारी उसी अनुसार कीजिए, क्योंकि अगर आप मान लेते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा और अगर हो गया तो फिर आपका जो समय बर्बाद हो जाएगा ना, इसलिए आप पढ़ाई जारी रखिए। और दूसरी बात हमारी थी पारदर्शिता को लेकर, तो पारदर्शिता के लिए हम आज पहली बार बीएसएससी ऑफिस नहीं आए हैं, इससे पहले हम 4-5 बार आ चुके। और 17 जनवरी 2020 को जब बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय के पीटी रिजल्ट के लिए हमने यहाँ आंदोलन किया था, उस दिन भी अध्यक्ष महोदय से जो हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी, तो उस दिन भी हमने अध्यक्ष महोदय के सामने ये सब पॉइंट रखा था पारदर्शिता लाने के लिए। उसके बाद भी कई बार हम बीएसएससी ऑफिस आकर लिखित रूप में ज्ञापन दिए हैं, लेकिन आज फिर हम आए हैं, चूंकि बीएसएससी सीजीएल 3 का एग्जाम होने वाला है, तो फिर से हम एक बार याद दिलाने आए हैं कि पारदर्शिता से कोई समझौता हम नहीं करने वाले हैं। जिस तरह से बीपीएससी को परसेंटाइल सिस्टम और 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने की बात को वापस लेना पड़ा आंदोलन की वजह से, उसी तरह बीएसएससी को हर हाल में सचिवालय सहायक की वैकेंसी में पारदर्शिता लाना होगा। और बीएसएससी सीजीएल 1 सीजीएल 2 में क्या हाल हुआ आप सभी जानते हैं। सीजीएल 1 में जो 2010 की वैकेंसी थी, ओएमआर सीट बीएसएससी ऑफिस से रात में निकाला जा रहा था, जिसका की फोटो अखबारों में भी छपा था, उसका फोटो।
14 लोग अरेस्ट हुए थे, लेकिन बाद में मामले की लिपापोती कर दी गई। सीजीएल 2 में मेंस का कटअप यानी फाइनल कह लीजिए, फाइनल रिजल्ट का कटअप 150 में निगेटिव मार्किंग रहते 138-139 गया था, उसका भी आंसर वायरल हुआ था, पेपर लीक हुआ था, लेकिन लिपापोती कर दी गई। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि सीजीएल 3 में ये हाल हो, क्योंकि इससे जो सिलेक्ट होंगे सचिवालय सहायक का इसमें पद है और भी कई पद हैं, लेकिन सचिवालय सहायक सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे मिनी आईएएस भी कहा जाता है, और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति होगी, कर्मचारियों की, सॉरी अधिकारियों नहीं कर्मचारियों। लेकिन सचिवालय सहायक को अगर हम अधिकारी का भी दर्जा दे दें तो गलत नहीं होगा, सचिवालय सहायक को तो अधिकारी का दर्जा मिलना चाहिए, इसकी हम मांग भी सरकार से करते हैं। तो खैर ये अलग बात हुई, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इस बार BSSC CGL 1 और CGL 2 की तरह CGL 3 में हो, किसी तरह से पेपर लीक ना हो, कोई धांधली सेटिंग ना हो। और एक बात सामने आ रही थी, कुछ लोग हमें फोन करके बता रहे थे कि एक बेंसिस कंपनी कुछ है, हम नाम अभी भूल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेंसिस टेक्नोलॉजी एजेंसी है, जिसको कि BSSC CGL 3 का क्वेश्चन सेट करने के लिए छापने के लिए दिया गया, क्वेश्चन छापने के लिए दिया गया, और इसी कंपनी एजेंसी को सचिवालय सहायक झारखंड का भी दिया गया था, और वहां पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि इस एजेंसी की भी उसमें संलिप्तता थी, और एग्जाम भी रद्द हुआ, इस कंपनी को झारखंड में एजेंसी को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो कुछ लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि बेंसिस टेक्नोलॉजी का नाम लेकर कुछ दलाल शिक्षा माफिया मार्केट में पैसा वसूल रहे, उनका कहना है कि बेंसिस टेक्नोलॉजी से उनका लिंक है, संपर्क है, और उसके थ्रू वो क्वेश्चन आउट करवा देंगे CGL 3 का, तो 15-20 लाख दीजिए और आपका PT में भी करवा देंगे, मेंस में भी करवा देंगे, यानी कि पेपर लीक करवा के उपलब्ध करा देंगे क्वेश्चन। तो इसकी भी जानकारी आज हमने दिया है, जिस आदमी पे बिहार के कुछ लोग उसमें हैं, झारखंड के भी है, जिन पे FIR दर्ज है, उन लोगों के बारे में भी सूचना हमने BSSC को लिखित रूप में दिया है और मौखिक में भी बताया है। तो ये एक था कि अगर सच में BSSC इस कंपनी को दिया है या नहीं, ये तो BSSC के अध्यक्ष ही जानेंगे, हम लोग को तो नहीं पता है, लेकिन अगर सचमुच में दिया गया है बेंसिस टेक्नोलॉजी को, तो फिर ये बहुत गंभीर विषय है, तो इस पे BSSC को एक्शन लेना चाहिए, हमने इसलिए जानकारी दी थी। और पारदर्शिता के लिए हमारा डिमांड है, धांधली सेटिंग ना हो, इसके लिए पारदर्शिता लाई जाए, तो इसके लिए हमने टोटल सात सूत्री हमने डिमांड रखा है। पहला डिमांड है कि OMR सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद परीक्षार्थियों को दिया जाए, आंसर की बताया जाए, जारी किया जाए, और जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कटअप और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स बताया जाए। उसके बाद हमारा डिमांड है कि OMR सीट जहां भी रखी जाए, जिस स्ट्रांग रूम में रखी जाए, वहां CCTV कैमरे से उसकी निगरानी हो और स्मार्ट लॉक लगाई जाए, ताकि OMR सीट कोई बाहर निकाले तो पता चल जाए कि कौन और कब निकाल रहा है। इसके अलावा हमारा डिमांड है कि हर एक क्वेश्चन पे QR कोड, जैसे 67वीं BPSC में किया गया पूर्ण परीक्षा में, तो हर एक क्वेश्चन पे QR कोड हो और हर एक क्वेश्चन के हर एक पेज पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिया जाए। इसके अलावा आप जिसे जो भी एग्जाम सेंटर बना जाए, वहाँ जैमर लगाया जाए, वीडियोग्राफी किया जाए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था की जाए, और किसी भी परिस्थिति में मोबाइल या ब्लूटूथ जैसे उपकरण कोई भी परीक्षार्थी अंदर हॉल में न ले जा सके, इस बात की पूरी जो है व्यवस्था BSSC करे। और एग्जाम सेंटर न तो गिरी जिला में दिया जाए और न ही बहुत दूर दिया जाए, गिरी जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दिया जाए। तो ये सब हमारा 7 सूत्री डिमांड है, जिसपे अगर BSSC ने गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए लागू नहीं किया, तो फिर हम इस जो 7 सूत्री हमारा डिमांड है, इस डिमांड को लेकर हम लोग BSSC ऑफिस में तो आंदोलन करेंगे ही, पटना की सड़कों पर आंदोलन तो करेंगे, पूरे बिहार में हर जिला में आंदोलन होगा। और ये जो 7 सूत्री हमारा डिमांड है, इससे पीछे हटने का सवाल नहीं है, ये बिहार के सिर्फ 9 लाख नहीं बल्कि 9 लाख से ज्यादा कह लीजिए, क्योंकि एक बार अगर ये सिस्टम लागू हो जाएगा तो आगे की परीक्षाओं में भी ये लागू होगा, तो ये 9 लाख ही नहीं है, लाखों स्टूडेंट्स कह लीजिए, उनके भविष्य का सवाल है। और इस बार भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, बिहारी मेधा के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, बिहारी प्रतिभा के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं होने देंगे, और हर हाल में BSSC को पारदर्शिता लानी होगी। BSSC CGL 2, CGL 1 और प्रथम इंटर स्तरीय जो 8 साल में पूरा हुआ, वैसा हाल CGL 3 का नहीं होने देंगे, 1-1.5 साल के अंदर में बहाली पूरा करना होगा पूरी पारदर्शिता के साथ। और आप जितने भी अभ्यर्थी, आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप लोग अभी पढ़ाई कीजिए, और 2 दिन के अंदर कोई ना कोई नोटिस आ जाएगा BSSC का, जैसा कि हमें आश्वासन दिया गया है कि अभी ये लोग विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए, हो सकता है कहीं दिसंबर में एग्जाम ले, हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो ये लोग खुद अभी डिसाइड नहीं कर पाए, ये लोग आपस में चर्चा अभी कर रहे हैं, तो 2 दिन के अंदर कोई ना कोई नोटिस आएगा, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए।
जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने लाइव सुना छात्र नेता दिलीप जी से, बिहार एसएससी ऑफिस की ओर से क्या कुछ कहा गया आप देखिएगा दोस्तों। परीक्षा से भी ज्यादा जरूरी है एग्जाम में पारदर्शिता, बिना पारदर्शिता का पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सबसे पहले चीज तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए, क्वेश्चन पेपर के बाद आंसर की, जब रिजल्ट आए तो उसमें कटअप भी दिया जाना चाहिए, और रिजल्ट आने के बाद सभी कैंडिडेट का पीटी परीक्षा का मार्क्स अभी बताना चाहिए, ये नहीं कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद। इन सभी चीजों को लेकर दिलीप जी बिहार एसएससी ऑफिस गए, और साथ ही परीक्षा कब होगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, इन सभी चीजों को क्लियर करने के लिए कहा गया है। तो दिलीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जी हमेशा छात्र हित का जो भी मुद्दा होता है उठाते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को, अब आप लोगों को मिशन मोड में तैयारी करना पड़ेगा, गिनती का दिन बचा हुआ है, परीक्षा जब भी हो आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो उसके लिए जरूरी दोस्तों है कि आपको मैथ रीजनिंग का बहुत बेहतरीन तैयारी करना चाहिए, क्योंकि 75 वेटेज है, इस 75 में से आप 70 बना लीजिएगा तो आपका आसानी से रिजल्ट होगा। इसके बाद आपको जीके सेक्शन में 75 में से 40 भी स्कोर आ गया जीके साइंस मिला करके, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो बहुत बेहतरीन तैयारी के लिए आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, तो 25 दिन के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स के माध्यम से आप सभी जुड़ जाइए, जिसमें आप लोगों को संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, खास करके मैथ रीजनिंग का। मैथ रीजनिंग में 75 में से 75 की तैयारी, जिससे आप 70 क्वेश्चन आसानी से बना पाए और आपका पीटी एग्जाम रिजल्ट हो जाए। पीटी एग्जाम में बहुत ही कम, टोटल 9,12,000 कैंडिडेट है, 12,000 का ही रिजल्ट आने वाला है, इसलिए आप सभी को बहुत बेहतरीन तैयारी करना पड़ेगा। और अभी पीटी के लिए बहुत कम समय है, जाइए फटाफट आप सभी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। क्रैश कोर्स का प्राइस भी बहुत अधिक नहीं है, कम ही है, जिससे सभी स्टूडेंट इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर पाए। एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए, कोर्स का बैनर दिखेगा, परचेज कर सकते हैं आप। तो यहाँ से आपको सारा कुछ क्लियर समझ में आ गया, परीक्षा को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर एक दो दिनों में इससे रिलेटेड नोटिस आ जाएगी। जब भी परीक्षा हो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा।